दिल्ली हिंसा पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा। स्पीकर ओम बिड़ला ने हंगामे के बाद लोकसभा को 2 बजे तक किया स्थगित। दिल्ली हिंसा के खिलाफ संसद में गांधी प्रतिमा के पास आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसदों ने किया प्रदर्शन। आंख पर काली पट्टी और मुंह पर उंगली रखकर किया प्रदर्शन। दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हैदराबाद से रची गई रविवार को दिल्ली में दंगे फैलाने की साजिश। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो भेजने की खुफिया एजेंसियों ने बनाई लिस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का NRC पर भड़काऊ बयान। कहा, टाडा से भी खतरनाक है NRC। दिल्ली दंगों को लेकर PM पर लगाया चुप रहने का आरोप। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात। शाहीन बाग में CAA के खिलाफ 2 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। कल से लागू है धारा 144। दिल्ली के तिलक नगर, हरिनगर, खयाला समेत कई इलाकों में रविवार शाम को हिंसा की अफवाह के बाद मची अफरा तफरी। दिल्ली पुलिस को आई हुई फोन कॉल्स जांच के बाद निकली अफवाह। दिल्ली हिंसा के बाद ट्विटर और सोशल मीडिया पर सुनियोजित तरीके से शुरू हुआ हेट कैंपेन। सुरक्षा खतरों को देखते हुए खुफिया एजेंसियां अलर्ट होकर जांच में जुटी। दिल्ली हिंसा के बाद फरीदाबाद में फैली दंगे की अफवाह के बाद हाई अलर्ट। DC फरीदाबाद की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। कहा, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में हिंसाग्रस्त इलाके के नाले में रविवार को मिला एक और शव। हिंसा में मरने वालों की संख्या हुई 46। पुलिस के मुताबिक मृतक की जेब से नशीले इंजेक्शन मिले और शरीर पर भी चोट के कई निशान मिले। दिल्ली हिंसा की जांच के लिए बनी क्राइम ब्रांच की SIT ने मांगी हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे CCTV फुटेज। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग को लिखी चिट्ठी। ताहिर हुसैन की तलाश में दिल्ली से अमरोहा तक पुलिस दे रही है दबिश। पब्लिक से जानकारी लेने के लिए पुलिस जारी कर चुकी है नंबर। अंकित शर्मा हत्या मामले में गवाहों को पुलिस ने बुलाया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 5 जजों की बेंच ही करेगी सुनवाई। कोर्ट ने माना, जम्मू कश्मीर की स्थिति पर 1959 और 1970 में कोई विरोधाभास नहीं। CBI ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के 2 पूर्व जिला मजिस्ट्रेट IS अधिकारी राजीव रंजन और इत्रित हुसैन रफीकी को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़ी संख्या में हथियारों के लाइसेंस जारी करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से गिरफ्तार किया गया लश्कर का आतंकी। आतंकी के पास से चीन में बना ग्रेनेड बरामद। पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली सफलता। मुंबई पुणे हाईवे पर खोपोली के पास बड़ा सड़क हादसा। एक्सीडेंट के बाद पलटा ट्रक। हादसे में 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौतम बुद्ध नगर दौरे का दूसरा दिन। नोएडा विकास प्राधिकरण की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। दिल्ली में आवास सचिव से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सदर विधायक वीरेंद्र सिंह सुरोही का निधन। दिल्ली के ILBS अस्पताल में ली आखिरी सांस। पिछले 3 महीने से बीमार थे वीरेंद्र सिंह सिरोही। उत्तर प्रदेश में आज वकीलों की हड़ताल। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने समेत कई मांगों को लेकर बार एसोसिएशन ने की हड़ताल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ADM पर क्रिकेट बैट से जानलेवा हमला। पूर्व सैनिक जगवीर सिंह पर लगा आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाने में लठमार होली की धूम। बरसाने में कई जगह पर की जा रही है लठमार होली की तैयारी। उत्तराखंड में आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू। इस बार 2,71,000 छात्र दे रहे हैं परीक्षाएं। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। मध्य प्रदेश के आगर उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। CM कमलनाथ आज देंगे करीब 850 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा। किसान सम्मेलन में भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस में पद के लिए आज से इंटरव्यू। महासचिव अब्राहम रॉय लेंगे प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्षों के दावेदारों का इंटरव्यू। ऑनलाइन प्रोसेस का कुछ नेताओं ने किया विरोध।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ओलावृष्टि से किसानों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से मसूर, चना और अरहर की फसलों को भारी नुकसान। राजस्थान के जयपुर के चार दीवारी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट, रेस्क्यू के दौरान दो शव बरामद, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। ताड़केश्वर मंदिर के पास मकान में हुआ था ब्लास्ट। राजस्थान के अलवर में बेखौफ बदमाशों ने फाइनेंस बैंक के एटीएम को लूटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी पारंपरिक मनाया जा रहा है फागोत्सव। इस फागोत्सव में बच्चे, युवा सभी होली सी मस्ती में सराबोर हैं। बिहार के पटना में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया नया नारा। एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, टीका टोपी साथ चलेगा तभी हमारा देश बचेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी जंग तेज, तेजस्वी ने नीतीश के 15 साल को बताया राक्षस काल, जेडीयू ने किया पलटवार। बिहार के पटना में कांग्रेस की समीक्षा बैठक, संगठन स्तर के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे मदन मोहन झा, चुनाव की तैयारियों पर बनेगी रणनीति। बिहार के गोपालगंज में एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। हत्या की वजह गैंगवार या फिर पुरानी रंजिश होने की आशंका। बिहार के सहरसा में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स की गला रेत कर की हत्या, पुलिस ने घटना स्थल से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया, पुलिस केस की छानबीन में जुटी। पंजाब के तरन तारण में नशे की खुलेआम बिक्री के खुलासे के बाद पंजाब में सियासत गर्म, कांग्रेस ने ड्रग्स के खिलाफ सरकार और पुलिस का एक्शन जारी होने का किया दावा, आपका नशा तस्करों को पुलिस संरक्षण का आरोप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट की बारीकियों से लोगों को रूबरू कराने के लिए गठित की 50 सदस्यीय टीम, टीम में सांसद, कैबिनेट मंत्री और पूर्व मंत्रियों समेत बीजेपी विधायक शामिल, विपक्ष के आरोपों को सीएम ने किया खारिज। महाराष्ट्र में मुस्लिमों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की एनसीपी के ऐलान पर शिवसेना ने रुख किया साफ, शिवसेना ने दोहराया कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिए जाने के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि 1 मई को होने वाले महाराष्ट्र दिवस तक राज्य सिंगल प्लास्टिक यूज फ्री हो जाएगा, ऐलान के बाद से एक्शन में बीएमसी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों ने की शांति खराब, कहा अब जात पात पर ज्यादा राजनीति हो रही है, यहां तक कि महापुरुषों पर भी जात पात का लेबल चिपकाया जा रहा है। ग्रीस पुलिस को सैकड़ों पत्थर फेंकने वालों को काबू में करने के लिए करना पड़ा आंसू गैस का इस्तेमाल, तुर्की में जाने से रोकने पर प्रवासियों ने किया हंगामा। हरियाणा के करनाल में 3 हथियारबंद लुटेरों ने 2 चौकीदारों को बंधक बनाकर लूटा ओबीसी बैंक का एटीएम, एटीएम में करीब 7 लाख रुपए जमा थे। हरियाणा के पानीपत में 5 साल से बंद पड़े थर्मल पावर प्लांट की 105 मीटर ऊंची 2 चिमनियों को रविवार को गिराया गया, 75 किलो विस्फोटक लगाकर 3 सेकंड में दोनों चिमनियों को गिराया गया। तेलंगाना के वारंगल में घर की दीवार से टकराई जेसीबी, दीवार गिरने से बच्ची की मौके पर ही मौत, भाई गंभीर, 5 लाख मुआवजा और मां को नौकरी की पेशकश। आंध्र प्रदेश महिला आयोग ने विजयवाड़ा में आयोजित किया पावर वॉक, आयोग की चेयरपर्सन, जिला कलेक्टर और दिशा एक्ट की स्पेशल अफसर कृतिका शुक्ला ने लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सड़क दुर्घटना में 6 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल, डिवाइडर से टकरा कर नहर में गिरी कार, तेज गति के कारण हुई दुर्घटना। आंध्र प्रदेश के पमारू से विजयवाड़ा जा रही लॉरी हाई टेंशन वायर से टकराई, लॉरी में लगी आग, गाड़ी पूरी तरह से स्वाहा, मगर ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। तेलंगाना के सूर्यपीठ में एक तरफा प्यार में नाकाम युवक ने युवती से किया बलात्कार, आग लगाने की भी कोशिश, आरोपी वेंकटेश हिरासत में। तमिलनाडु में तनी यानी पानी की किल्लत, रोक के बावजूद जमीन के नीचे का पानी निकाल कर बेच रही हैं करीब 200 कंपनियां, 20 रुपये में मिलने वाले कैन के अब देने पड़ते हैं 70 रुपये।
केरल के कन्नूर और पलक्कड़ में भारत विरोधी पोस्टर लगाए गए, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक बस के ट्रेन से टकराने से हुआ हादसा, हादसे में अब तक 18 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल। अमेरिका के अलबामा में राष्ट्रपति कैंडिडेट माइकल ब्लूमबर्ग हुए हूट, चर्च में भाषण के दौरान कई लोग पीठ दिखाते हुए खड़े। एक ही साल में तीसरे चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले बोले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दोबारा चुने गए तो हफ्तों में वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर करेंगे कब्जा। ग्रीस पुलिस को सैकड़ों पत्थर फेंकने वालों को काबू में करने के लिए करना पड़ा आंसू गैस का इस्तेमाल, तुर्की में जाने से रोकने पर प्रवासियों ने किया हंगामा। तुर्की में दमिश्क शासन के खिलाफ हमले में सीरिया के दो लड़ाकू विमानों को मार गिराया, रूसी समर्थित सैन्य बलों के खिलाफ हमले किए गए तेज। कोरोना के डर से दक्षिण कोरिया में चर्च बंद, पेस्टर खाली चर्च में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर रहे हैं मास। वनडे के बाद टेस्ट सीरीज भी हारी भारतीय टीम, क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से हराया, 2-0 से सीरीज जीता न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दौरे पर विराट कोहली बुरी तरह से फेल, 4 पारियों में बना सके केवल 38 रन, ट्रेंट बोल्ट बोले कोहली पर दबाव बनाने में हम रहे सफल। बांग्लादेश ने घरेलू वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे को 169 रन से हराया, अब तक की बांग्लादेश की सबसे बड़ी जीत, लिटन दास ने मारा शतक तो सैफुद्दीन ने की शानदार बॉलिंग। तमिलनाडु के चेन्नई में बनने वाले देश के पहले ट्रांसजेंडर शेल्टर होम के लिए फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने की 1.5 करोड़ रुपए की मदद, लक्ष्मी बॉम्ब के डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने दी जानकारी। अभिनेता टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 रिलीज के लिए तैयार, फिल्म के गाने भनक और 10 बहाने 2.0 को भी मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स। जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म नो टाइम टू डाई का ट्रेलर भारत की 10 भाषाओं में रिलीज, बॉन्ड के फैंस इस नए ट्रेलर को भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ में देख सकते हैं। आप देखने जा रहे हैं न्यूज एनालिसिस। एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है, इंसान पर सदी का सबसे बड़ा संकट, एक ऐसी तबाही जो आपने अब तक नहीं देखी होगी। प्राकृतिक आपदा से भी खतरनाक कोरोना का कहर, जिससे कांप रही है जिंदगी। मेडिकल साइंस कोरोना के आगे सरेंडर करता दिख रहा है, लोग मर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। जी हां, कोरोना के कहर से पूरे चीन में हाहाकार मचा है। कोरोना से होने वाली मौतें दुनिया के सभी महाद्वीपों तक पहुंच चुकी हैं। सदी का सबसे बड़ा सितम कहा जाने वाला कोरोना चीन के बाद अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कोरोना वायरस की दहशत ऐसी कि इटली में मौजूद भारतीय छात्रों के मन में खौफ बैठ गया है और वे अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। उत्तरी इटली के पाविया शहर में एक सप्ताह से फंसे हुए इंजीनियरिंग कर रहे 85 भारतीय स्टूडेंट ने घर वापसी के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इनमें से कुछ भारतीयों ने स्वदेश वापसी के लिए टिकट बुक की थी, लेकिन कोरोना वायरस के नए मामलों को देखते हुए उन विमानों को रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। इसके अलावा 100 से अधिक भारतीय मछुआरे भी ईरान के अजलूर में फंसे हुए हैं। इन मछुआरों में केरल के भी 60 मछुआरे शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान में 600 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विदेश मंत्री जयशंकर को चिट्ठी लिखकर ईरान में फंसे 100 से अधिक भारतीय मछुआरों के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विदेश मंत्री से अनुरोध किया है कि वे दूतावास के अधिकारियों को इन मछुआरों की सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दें। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दूतावास को इस बारे में जरूरी कदम उठाने के आदेश दें और इन लोगों की सुरक्षित वापसी का इंतजाम करने को कहें।
उधर केंद्र सरकार भी कोरोना वायरस को लेकर गंभीर है। भारत में बचाव के लिए चीन की एजेंसियों से बात की जा रही है और इस वायरस का असर रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के कारोबार में सुस्ती के आसार हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। भारत सरकार भी अर्थव्यवस्था पर कोरोना के असर को लेकर सचेत है। कभी यूएस चाइना ट्रेड वॉर, कभी कोरोना वायरस, इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के विकास पर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होता वो अलग है, हजारों लोगों की जानें गई हैं, उसका भी एक बड़ा नुकसान हुआ है, एक चिंता की बात पूरी दुनिया भर के लिए कोरोना वायरस के कारण हुई है। भविष्य में हमें कैसे कदम उठाने हैं जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई चुनौतियां हमारी कंपनीज के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ना बने, उस दिशा के लिए वो मीटिंग भी पीछे होटल अशोक में की गई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन में जहां कोरोना वायरस से अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मरीजों की संख्या 88,000 के पार पहुंच गई है। ईरान में कोरोना ने अब तक 54 लोगों की जान ली है। इटली में तो कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 41 जा पहुंचा है। साउथ कोरिया में 21 मौतें, जापान में 6, हांगकांग और फ्रांस में 2-2 और अमेरिका में भी 2 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हो गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में भी 1-1 शख्स की मौत की खबर है। फिलीपींस में भी 1 शख्स की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। डोमिनिकन रिपब्लिक में भी 1 शख्स को कोरोना वायरस निगल गया।